चौथा दिन छोटे छोटे वाक्यांश फ्रेजेस। अंग्रेजी में वाक्य की जगह कई बार वाक्यांश अथवा केवल दो एक शब्दों से काम चलाया जाता है, उदाहरण के तौर पर यस सर, नो सर, वेरी गुड सर आदि। ये वाक्यांश इतने अधिक प्रचलित हैं कि अंग्रेजी बोलने और समझने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इनसे परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। ये वाक्यांश बहुत सरल भी हैं क्योंकि ये व्याकरण के पेचीदा नियमों से बंधे हुए नहीं हैं। मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग, बहुत अच्छा, वेरी वेल, अच्छी बात है, फाइन या वेरी गुड, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, एज यू प्लीज या फिर एज यू विश भी बोल सकते हैं। और कुछ, एनीथिंग एल्स, बस रहने दो, दैट्स इनफ, इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, अच्छा, ओके, क्यों नहीं, वाई नॉट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बीट, ध्यान रखना, टेक केयर, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, हाँ जरूर, यस बाय ऑल मीन्स, बहुत है, दिस इज टू मच, हाँ सर, यस सर, नहीं कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं, नेवर माइंड या डजंट मैटर, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, आइए, वेलकम या योर वेलकम, आपका स्वागत है, भरोसा रखें, रेस्ट एश्योर्ड, बहुत दिन से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, अच्छा चलते हैं, गुड बाय, आपको भी विदा, बाय बाय, जरा सा भी नहीं, नॉट द लीस्ट। ये लगभग सभी वाक्यांश हैं पूर्ण वाक्य नहीं, पर इनसे पूर्ण वाक्य जैसा काम लिया जाता है। आज्ञा या आदेश के वाक्य, सेंटेंस ऑफ कमांड या ऑर्डर, रुको, आई से स्टॉप, बोलो, स्पीक, सुनो, लिसन, यहाँ ठहरो, वेट हियर, इधर आओ, कम हियर, इधर देखो, लुक हियर, यह लो, टेक इट, पास आओ, कम नियर, बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड, ऊपर जाओ, गो अप, नीचे आओ, गो डाउन, उतर जाओ, गेट ऑफ, तैयार हो जाओ, बी रेडी या गेट रेडी, चुप रहो, कीप क्वाइट, सावधान रहो, बी केयरफुल या बी कॉशियस, धीरे चलो, गो स्लोली या वॉक स्लोली, तुरंत जाओ, गो एट वंस, यहाँ रुको, स्टॉप हियर, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, चले जाओ या निकल जाओ, गो अवे या गेट आउट। कर्ता न होते हुए भी ये पूर्ण वाक्य हैं क्योंकि इनमें क्रिया अपने स्थान पर है। ये आदेश के वाक्य हैं, इनमें यू यानी कि कर्ता अर्थ को देखते हुए अपनी ओर से लगाना पड़ता है, अर्थात यू अंडरस्टूड है। रिमेम्बर दैट ऊपर बी भाग में सभी आज्ञा या आदेश के वाक्य हैं, आप इन्हें थोड़े से प्रयत्न से प्रार्थना सूचक वाक्यों में भी बदल सकते हैं। ऊपर के सभी वाक्यों से पहले प्लीज जोड़ें, पहला वाक्य इस प्रकार बनेगा, प्लीज स्टॉप, जरा रुकिए, इस तरह सभी वाक्य बनेंगे। इस तरह इन वाक्यों की क्रियाओं का अर्थ आदर सूचक हो जाएगा। जब आप अपने अधिकारी से अवकाश मांगे या ऐसी ही कोई और प्रार्थना करें, वहाँ प्लीज के स्थान पर काइंडली का प्रयोग करें, जैसे कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, कृपया मामले की जांच पड़ताल करें, काइंडली लुक इनटू द मैटर। इन दोनों वाक्यों में प्लीज शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, काइंडली शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। डोंट, डू नॉट का संक्षिप्त रूप है तथा कांट, कैन नॉट का आदेश और प्रार्थना के वाक्य नौवें दिन में देखने को मिलेंगे।